चुने ये कार्यक्रम आज ही हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मैं उसकी शुरुआत करने के लिए मैं चाहूँगी कि आदरणीय विद्याशंकर जी सर, एस एन गदर साहब, ओम दिवा साहब, रविंद्र जी जादू सर और आदरणीय गुरुदेव कल्किराम जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। भगवान शिव, शिव और पार्वती से संसार चला है। तो जैसे प्रेम की उत्पत्ति से शुरू करता हूं मैं। प्रेम की उत्पत्ति कहां से हुई? श्रद्धा रूपी माता और विश्वास रूपी पिता से। ये श्रद्धा रूपी माता पार्वती है और विश्वास रूपी पिता शिव है। शिव और पार्वती के मिलने से प्रेम उत्पन्न होता है। वैसे ही स्वर और ताल दोनों के मिलने से आनंद उत्पन्न होता है। सारी दुनिया में जो आनंद नाम की कोई चीज अगर है तो वो स्वर और ताल है। स्वर रूपी माता, स्वर मैंने मात्रा, चाहे वो शब्द में हो, चाहे वो संगीत में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, स्वर के बिना संसार चल ही नहीं सकता। स्वर रूपी माता जहां होगी वहां पर परमात्मा विराजमान होंगे ही होंगे। तो आज ये स्वर और ताल का कार्यक्रम है। भगवान शिव से ही ये संसार चला। भगवान शिव ने नाटक किया, कौन सा? तांडव। तो तांडव में से ताल निकला और ताल में से स्वर निकला। तो ये संसार में जितने भी स्वर है, संगीत में हो चाहे इंसान के अंदर हो, ये स्वर और ताल यही संगीत है, यही ताल है और यही आनंद है। मैं इस मौके पे ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ मैं। धन्यवाद। भगवान शिव ने तांडव किया और जब माता पार्वती ने नाच सीखी तो भगवान शिव का जो तांडव था वो वीर रस, भयानक रस से परिपूर्ण हुआ। और माता पार्वती ने जब नाच्य किया तो वो श्रृंगार से, वात्सल्य से परिपूर्ण था। और जो ताल बना वो तांडव का ता और लास्य का ल लेकर इस पृथ्वी पर ताल उत्पन्न हुई। और वही जीवन का और ये जो कुछ भी बज रहा है हमारे यहाँ, जो कुछ भी हमें सुनाई देता है, वो अगर लयबद्ध है तो ताल के कारण। ताल उसको सीमा में बांधता है तो लय सीमा में चलती है। तो बहुत जरूरी है ताल और सम, जीवन का सामंजस्य सम है। हमें अगर तीन ताल करनी है तो 16 मात्रा के बाद हमें सम पर आना होगा। अगर हमें झपताल करनी है तो 10 मात्रा के बाद सम पर आना होगा। हम अगर मत्त ताल करते हैं तो 18 के बाद सम पर आना होगा।
चार मात्रा की सबसे छोटी ताल होती है और सबसे बड़ी ताल होती है 108 मात्रा की। हम सनातन धर्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने इसमें पढ़ते हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हम मुद्राएं सीखते हैं और उन मुद्राओं को कथक में या आठ तरह के जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी नृत्यों की वर्णमाला के रूप में हम उन्हें सीखते हैं, सिखाते हैं और फिर उसे अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको कथक के बारे में भी बताती जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो यहाँ नए जुड़े हैं, जिन्हें पता नहीं है, जिन्होंने आके कहा मैम हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना है, लेकिन मैंने ये ही उन्हें कहा कि आप जो करने आए हैं वो आपके मन में जो भाव हैं वो भाव थोड़े दिन बाद बहुत प्रबल और प्रबलता की ओर बढ़ेंगे, आप इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे अगर आपने धैर्य रखा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शास्त्रीय संगीत सीखने में, शास्त्रीय नृत्य सीखने में सबसे बड़ा जो आपको धैर्य चाहिए और उसके बाद अनुशासन, ये चीज़ें जब आपके जीवन में आएंगी तभी जाकर आप कुछ सीख पाएंगे। जैसे विद्याशंकर जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले संगीत सीखना बात की बात, उसे सीखने की तमीज सीखनी पड़ती, उसे सीखने के संस्कार सीखने पड़ते, तब जाके हम उस तरफ आगे बढ़ते हैं। गुरु शिष्य परंपरा अगर कहीं बची है तो वो बची है शास्त्रीय संगीत। और मैं विद्याशंकर जी गुरुजी को आज ये रमाकथक संस्थान अगर इस तरह से काम कर रहा है तो गुरुजी मेरे पास आकर 3 घंटे बैठे, कैलाश भैया ने बहुत जोर लगाया और मेरे बहुत से हितैषी ऐसे हैं, शुभचिंतक ऐसे हैं जिन्होंने मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से, उनका तो कुछ कहना ही क्या, वो बड़े दूर रह के भी वो काम कर देते हैं, वो आज हमारे बीच नहीं है। चेतन भैया ने आप सभी को प्रणाम कहा है, क्योंकि कल चेतन भैया का JKK में अपॉइंटमेंट है, इसलिए चेतन भैया आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। और भवदीप भैया का भी रेलवे में हो गया है म्यूज़िक कोटे में, तो उनका भी कल वहाँ ज्वाइनिंग है, इस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन इन बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद भेजा है। हम अब और विलंब न करते हुए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। मेरे बहुत छोटे छोटे से बच्चे जो 3 साल 4 साल 5 साल के हैं, उन्होंने कथक को सीखना और इस ताल लय को धादिन दिंदा के माध्यम से सीखना शुरू किया है। कुछ हद तक कुछ मुद्राएं वो गत 2-3 महीने में सीख पाए हैं। कृष्ण वंदना करते हुए वो आज आपके सामने इस अपनी प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं। मैं चाहूँगी मनस्वी अदिति शाबाश
कान्हा की बात हुई है तो गरबे के रूप में हम देखेंगे कि कान्हा क्या कर रहे हैं। नुपुर समूह लेकर आ रहा है गरबा कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे।
ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है, आ जा रे मोरे सैया, आ जा रे मोरे रसिया, आ जा
तक मगरों तक शाम देखो सखी नहीं मानस मोरी लपक झपक मगरों तक शाम देखो सखी नहीं मानस मोरी लपक झपक मगरों तक शाम देखो सखी नहीं मानस मोरी देखो सखी नहीं मानस मोरी देखो सखी नहीं मानस मोरी झपक झपक मगरों तक शाम देखो देखो वनाई काना एको नहीं माने देखो वनाई काना एको नहीं माने हर झक मुसे देखो करत बड़ा जोरी हर झक मुसे देखो करत बड़ा जोरी हर झक मुसे देखो करत बड़ा जोरी झपक झपक मगरों तक शाम देखो नहीं मानस मोरी देखो नहीं मानस मोरी देखो सखी नहीं मानस मोरी गरवा लगाए मुख चुमत लाज लेत लाज लेत चुमत लाज लेत लाज लेत चुमत लाज लेत कहत ब्रिज शाम जाओ 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 नहीं मानूंगी तोरी जाओ 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 नहीं मानूंगी तोरी जाओ 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 नहीं मानूंगी तोरी मानूंगी तोरी मानूंगी तोरी लपक झपक मगरों तक शाम देखो सखी नहीं मानस मोरी लपक झपक मगरों तक शाम देखो सखी नहीं मानस मोरी लपक झपक मगरों तक शाम देखो शाम देखो शाम देखो।
परत बूंद बरसत चहू और छोर शीतलता चहू और जाए रामायण की, जहां श्री राम वनवास से अयोध्या पधारे, चारों ओर फैला था आनंद, चराचर था खिला खिला, स्वागत की तैयारी में व्यस्त थी अयोध्या की तीन बहुएं, शुद्ध कीर्ति, मंडवी और उर्मिला। जगत में पूजा फिर से नाम, अयोध्यापति दशरथ के यहाँ जब जन्मे प्रभु श्री राम, जनक नंदिनी सीता राम की जीवन संगिनी बन के आई, उन दोनों की परछाई बनने की लक्ष्मण ने शपथ दिखाई। पंचवटी में शूर्पणखा का हृदय राम पर आया, पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई, बहन दशानंद रावण की है वो, उसने चिटकार लगाई, फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया, तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। स्वर्ण मृग को देख सीता का हृदय हुआ प्रफुल्लित, कहा राम से, हे प्रभु उसे ले आए। ऐसा
घोर अपमान दशानंद रावण कर ना सका सहन। भिक्षाम दे भिक्षाम दे। साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण। विराम में डूबे श्री राम ने लिया धनुष और बाण, मन में साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण का काम तमाम। रणभूमि में लंकापति रावण से गुलाम भीषण संग्राम। गिरा दशानंद भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम।
कितना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए रामायणी कुछ समझ न पाए भूल बिछाए रामायणी कितना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए रामायणी कुछ समझ न पाए भूल बिछाए रामायणी जी।
धन्यवाद। हर ताल में सुनाई अपनी कहानी, आज मैं सुनाती हूँ रमा कथक संस्थान की कहानी अपनी जुबान। सम्माननीय अतिथिगण, सभी सभा सदस्यों, मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम रमा कथक संस्थान, रमा मैम, मनस्वी आदि को मल्हार सांस्कृतिक संध्या 2024 के सफल आयोजन की बधाई देना चाहती हूँ। रमा कथक संस्थान की आत्मा है रमा जी। आपसे हमारा संबंध बहुत पुराना है, लेकिन इस संबंध को दृढ़ किया कथक नृत्य ने। मेरी बेटी दिव्यांका पारख आपके पास सन 2018 से कथक सीखने आ रही है। आपके प्यार, अनुशासन और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता ने उसके जीवन में नई ऊर्जा दी, दिशा दी। उसे कथक संस्थान में ही नहीं, विद्यालय में भी एक अलग पहचान मिली। अभी तक दिव्यांका ने बहुत सारी प्रस्तुति दी है मैम के सानिध्य में, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे कितने ही रिलेटिव्स हैं जो इंडिया में रहते हैं, बाहर रहते हैं, फ्रेंड्स हैं जो मेट्रोज में रहते हैं, जब भी वो दिव्यांका की परफॉर्मेंस के या मैम के इंस्टीट्यूट के परफॉर्मेंस के वीडियोज़ देखते हैं, हमेशा यही बात कहते हैं कि तुम भिलवाड़ा वाले बहुत लगती हो, कि रमा मैम जैसी गुरु मिली, कथक नृत्य तो सिखाई ही है और डिग्री भी मिली तुम्हारे बच्चे को, है ना? सही बात, काश उनके ये शब्द है, सही बता दूं मैं आपको, काश रमा मैम जैसी गुरु हमारे बच्चे को मिल जाए, बच्चे का जीवन सफल हो जाएगा। सही बात है। मेरे स्वयं के विद्यालय द न्यूलू सेंट्रल स्कूल की काफ़ी बच्चियां मैम के पास कथक नृत्य सीखने आती हैं, और उन बच्चियों में जो मैंने हुनर, एकाग्रता और अनुशासन देखा है वो सच में काबिल तारीफ है, और उन सबकी श्रेय और प्रणेता रमा मैम है और रमा कथक संस्थान ही है। बस मैं अपनी बात थोड़े से कुछ और शब्द कहूँगी। एक माँ और शिक्षाविद होने के नाते आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे में कला, अनुशासन, सांस्कृतिक विरासत और संस्कार देखना चाहते हैं तो रमा कथक संस्थान से बेहतर संस्थान आपको नहीं मिलेगा। आप एक बार मैम के पास अपने बच्चे को भेजिए, थोड़ा मन इकट्ठा करके, वो कहते हैं ना, दृढ़ होकर भेजिए, फिर देखिए आपके बच्चे का जीवन कैसे निखरता है। धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी एंड टू माई डॉटर। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। अंकिता राणावत फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, तब मेरे पास आई, कॉमर्स सब्जेक्ट था, लेकिन ऐसा कथक में रमी कि एमए करने के बाद इसी को अपना जीवन बनाया और नेट क्लियर किया कथक में। अक्षिता के बाद, अक्षिता शर्मा दादीज के बाद अंकिता राणावत वो है जिन्होंने नेट क्लियर किया है कथक में, और अब वो अपनी पीए बहुत सारी शुभकामनाएं। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करेंगे कि ये जो, और इस जगह पे अक्षिता ने पुरस्कार पाया वो उस पर जिम्मेदारी दी गई, और गत वर्ष अक्षिता वो उसके बाद 3 महीने वो यूएस टूर करके कथक की प्रस्तुति देकर आई है। हम चाह रहे हैं ऐसे बच्चे और आगे बढ़े। उसके बाद मनस्वी को ये पुरस्कार दिया गया, मनस्वी G20 में अपनी प्रस्तुति देकर आई। हर्षिता को ये पुरस्कार दिया गया, हर्षिता राष्ट्रीय स्तर पर गई। अब अंकिता अगली बार जो पंडित राजकुमार जबड़ा स्मृति नृत्य दीप्ति सम्मान की मैं घोषणा करती हूँ, अंकिता की एकल प्रस्तुति हम कथक समारोह में देखेंगे, और ये इस साल का पुरस्कार अंकिता को प्रदान किया गया, इसकी मैं घोषणा करती हूँ। मेयो कॉलेज में अंकिता कविता कथक टीचर अभी नियुक्त हुई है। बहुत सारी बधाई। मेयो तक पहुंचने में हमें पता है बहुत मुश्किल होती है, वहां एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल होता है, तो कविता इस कथक की विरासत को वहां सिखाएगी। मुझे बहुत गर्व है और एक खुशी भी
कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। गुरुजी ने भी कोई व्यवधान ना आने पाए इस बच्ची को, आपकी जिम्मेदारी है। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। हाँ यार, सामने देखने के बाद यार मैं चाहती हूँ कि दो शब्द जरूर से कहें। रामा जी का ये वट वृक्ष जो है सामने बढ़ता जा रहा है, और बहुत ही आशा और विश्वास है कि ये दिन दुगने रात दुगने ये तरक्की करते रहे, इनके बच्चे ऐसे ही भारत, राजस्थान और भीलवाड़ा का नाम रोशन करते रहे। बिना किसी चुटकुले के, बिना किसी और तरीके से अपने आप उसे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी, शायद वो एक असली खुशी थी। इतना श्रम आपका रहता है बच्चों के ऊपर, बच्चे अच्छे रहे, बच्चे व्यवस्थित रहे, बच्चे अनुशासन में रहे, हर चीज उन चीज का बकायदा ध्यान रखना, हम पेरेंट्स से बराबर टच में रहना कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, ये सिखानी है। आपके लिए जितना कहा जाए शायद वो कम है। अभी तक मैम ने बच्चों के लिए बहुत तालियां बजवाई। आप लोगों से मेरा निवेदन पूरे सदन से कि जितने भी सदस्य अभिभावक हैं, एक जोरदार ताली मैम के लिए कि शायद भीलवाड़ा का नाम अगर नृत्य के क्षेत्र में कहीं आगे है तो इनके ही श्रम की बदौलत है। ऐसी रमा मेरे को लगता है ये शायद भगवान की देन है, माँ सरस्वती की देन है अपने भीलवाड़ा की धरती को। तो आपका स्नेह और प्यार और आशीर्वाद इन बच्चों पे यूं ही हमेशा बना रहे, और हम सब आपके साथ हैं। आप जब भी कभी भी आवश्यकता हो, जब भी आप बुलाएंगे, जिस तरह से भी, हमारा जब तक यहाँ है जब तक आपके साथ है मैम। थैंक यू सो मच। भारतवर्ष में ही नहीं, जैसा रमा ने बताया यहाँ पे कि इनकी शिष्याएं जो हैं यूएसए तक गई हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रमा जी का नाम है गुरु के रूप में। और पिछले लगभग 5 और 6 साल से, मुझे पूरा याद नहीं है, 5 या 6 साल पहले से, इससे भी ज़्यादा समय पहले, जब भीलवाड़ा में कोई कथक सिखाने वाली गुरु नहीं थी, उस समय रमा ने यहाँ पे सारा काम संभाला है। रमा मेरी छोटी बहन है, इसलिए मैं रमा जी नहीं बोल रहा हूँ।
और इन्होंने जो अपना कार्य दिया है, इतने बच्चे तैयार किए कि एक माँ के रूप में थी, और मैंने अपनी तरफ से अपने हृदय से इन्हें गुरु माँ के रूप में संबोधित किया है। ये गुरु माँ हैं भीलवाड़ा के लिए, उम्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनकी शिष्याएं किसी भी उम्र में इनसे प्राप्त करती है शिक्षा, तो गुरु माँ के रूप में ये हमारे बीच में है। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। विद्याशंकर जी गुरुदेव हमारे साथ में हैं। विद्याशंकर जी के गुरुदेव शोभाराम जी को मैं प्रणाम करता हूँ, रमा जी के गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। जितने गुरुओं का आशीर्वाद रमा जी पे है, गुरुओं के बारे में जितना बोलो उतना कम है। एक छंद याद आ रहा है, आपकी इजाजत तो मैं बोल दूं। गुरु की जो महिमा है ये दो लाइन में आ जाती है, अगर आप समझो तो। या धरती कागज करूं, कलम करूं वनराय, सात समंदर स्याही करूं, फिर भी गुरु गुण लिखे न जाए। जय गुरुदेव। बहुत सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। गुरु माँ को प्रणाम करता हूँ मैं, रमा बहन है लेकिन गुरु माँ को प्रणाम करता हूँ, सभी आप लोगों को सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।